कासगंज पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार के लाख प्रयास के बावजूद भी जिले में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। जिले की पटियाली पुलिस ने एक बार फिर अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बने अंधबने असलाहों के अलावा हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने एक फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो हथियार बनाने वाले कारीगर भी मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि कासगंज जिले में खून खराबे के लिए चल रही उद्योग धंधों की तरह अवैध हथियार फैक्ट्रियों को पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने चार्ज भार ग्रहण करने के बाद से ही जिले से समूल नष्ट करने का संकल्प लिया था। उन्होंने अब तक कार्यवाही करते हुए 17 शस्त्र फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ कर दर्जन भर शस्त्र बनाने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस ने सैकड़ों बने अधबने हथियार भी बरामद किए हैं। इसके बावजूद भी पुलिस का अवैध हथियार फैक्ट्रियों का समूल नष्ट करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलता रहा। इसी के तहत कासगंज जिले के पटियाली थाना पुलिस ने बरगेंज औरंगाबाद रोड पर चिश्ती बाबा की दरगाह के पीछे छापामार कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर कदीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि धर्मेंद्र उर्फ फूले उदयवीर सिंह निवासी बरगेन मौके से भागने में सफल हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके से 3 तमंचे, 315 बोर के डमी कारतूस के अलावा भारी मात्रा में बने अधबने हथियारों को जखीरा को बरामद किया है। फिलहाल SP अशोक कुमार ने तीनों को पूछताछ के बाद जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। देखिए, कदीर नाम का आदमी है जो ये फैक्ट्री चला रहा था, आप इसे देख सकते हैं, कट्टे तो 3 ही बरामद हैं इसमें, लेकिन कम से कम 30 कट्टे का तो सामान आपके पास रखा हुआ है। और दूसरी बात, इतना इस्टेब्लिश रूप में ये इतने स्किल्ड हैं, काम कर रहे थे, पता नहीं कितने कट्टे बनाते हैं। तो ये इंस्पेक्टर पटियाली की टीम ने इनको अनाथ किया है और इनको 3 ही कट्टे हैं, इसलिए इनको इनाम अभी बहुत नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन इनके प्रयास की हम सराहना करते हैं कि इन्होंने एक बहुत अधिक मात्रा में कट्टे बनने से अपने इन्होंने रोका अपने इलाके में, और जितने कट्टे बनते हैं उसमें पता नहीं कितने कितने की मृत्यु होती। और मेरा अभियान चल रहा है पूरे कासगंज में, आप देखते होंगे, ये 15वीं फैक्ट्री है और कम से कम इनको मिला करके 425 के आसपास हसले हो जाएंगे जो मैं बरामद कर चुका हूँ पिछले 6 महीने से। बराबर इलेक्शन है इसमें, लोकसभा का आने वाली आचार संहिता लगी है, इसको लेके क्या लगता है कि जिले में इस जिले के कट्टे बहुत जगह जाते हैं? देखिए, ऐसा चुनाव से कोई तत्काल महत्व नहीं है इसका, कोई योग नहीं है उसका दोनों का, क्योंकि कट्टा तो कासगंज का फेमस है, आप जानते हो, एटा कासगंज का, जैथरा पटियाली का कट्टा चलता रहता है, तो उससे कोई मतलब तो नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने भी इस बात की चर्चा की थी, मीटिंग थी, तो भाई इनका इन पे कैसे आप लगाम लगाएंगे, तो मैंने उनको आश्वस्त किया था कि मैं पिछले 6 महीने से लगाम लगा रहा हूँ, लगाम एक दिन में नहीं लगती है, और पिछले 6 महीने से 14 फैक्ट्रियाँ मैंने पकड़ी हैं, करीब 400 के आप असलहे पकड़े हैं, और जो लोग गए हैं जेल, मैं कोशिश करूंगा कि उनका मैं पुनर्वास कराऊं DM से मिलके, कि बार बार जाते रहते हैं, लौट के फिर कट्टा बनाना शुरू कर देते हैं, तो इनके पास स्किल है, इतना बढ़िया कट्टे बनाते हैं, काबिले तारीफ, जैसे फैक्ट्री के हों, आपने देखा होगा पीछे, तो मैं चाह रहा हूं कि इनको वापस आने पर सूची बन गई है 200 के आसपास, और मिस्टर मुद्गल को अपॉइंट किया है DM साहब ने, जो इसको देख रहे हैं कैसे उनको कोई जवाब दे सकते हैं। उन्होंने पिछले वाला DM ने तो कहा था कि हम चरखे बंटवाएंगे, नए DM ने कहा मैं कुछ और करता हूँ। तो इसमें जो सकारात्मक प्रयास है शासन प्रशासन का, वो ये है कि दोबारा फिर लौट के उसी गंदगी में न जाएं। इनका इसमें इनाम, हम कोई इनाम नहीं डिक्लेयर किए, क्योंकि 3 कट्टे पे कोई इनाम मैं नहीं देता, कम से कम 12 कट्टे के ऊपर इनाम देता हूँ, लेकिन मैं तारीफ करता हूँ कि कम से कम 25-30 कट्टे का